अब हम देखते हैं कि जो लिखित परीक्षा है उसका आधार क्या है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा दिया गया है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। तो इसमें क्या दिया गया है कि पत्र दिए गए हैं, कुल तीन यहाँ पर पत्र हैं, ठीक है। उसमें पहला है भाषा अर्हता, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और इसको भी दो भागों में बांटा गया। भाग एक जिसमें 25 प्रश्न होंगे, भाग दो जिसमें 75 प्रश्न होंगे, यानी 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, ये परीक्षा होगी, और कुल अंक 100 अंक के होंगे, यानी एक एक नंबर के। भाग एक और भाग दो में बांटा गया है। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए ये होगा। इसमें दो पत्र पत्र दो भाग में होंगे, भाग एक और भाग दो। भाग एक जो है अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान प्रयोग होगा, भाग दो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है। इस पत्र का अर्थांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, जो पहला प्रश्न पत्र है ये दो भागों में बटा हुआ, भाग एक भाग दो, और भाग एक में इंग्लिश है और भाग दो में हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इसमें से किसी एक को चुनना है। तो मान लीजिए ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी को चुन रहे हैं, तो इसमें क्या है कि दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर आपको 30% अंक 30% लाना है, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। कई बार आपके दिमाग में आता है कि माइनस मार्किंग है कि नहीं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि 100 में आपको 30 अंक लाना है, दोनों को मिलाकर लाना है, अलग अलग नहीं। अब दूसरा प्रश्न पत्र जो है सामान्य अध्ययन का है, जिसको कि जीएस भी कहा जा सकता है। 120 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 2 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा, 120 अंकों का रहेगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5 के लिए जो एग्जाम में बैठेंगे, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो इस सिलेबस को देखने से यही लग रहा है कि अगर आप लूसेंट इत्यादि पढ़े होंगे तो आसानी से इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, ये थोड़ा सा आपको अलग किताब से पढ़ना होगा, बाकी तो सब आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। बताया गया है इसमें कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे। एससीईआरटी वाली किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, वेबसाइट से जाकर आप देख भी सकते हैं। इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि अटेंडम इस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि जिस योग्यता को आप धारित करते हैं उसके अनुसार ही सवाल रहेगा, मतलब ठीक ठाक लेवल का रहेगा। यहाँ पर पेपर तीन पत्र दिया गया है, विषय एवं सामान्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य अध्ययन, तो इसमें दिया गया है कि 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का होगा और पूरे 120 अंक के होंगे। इसमें भी पत्र को यहाँ पर देख रहे हैं कि 9वीं 10वीं के लिए ही है, ठीक है ना। अभी हम जो बात कर रहे थे वो 1 से 5वीं तक का था, तो 1 से 5वीं तक का आप देख लीजिए कि इसमें पहला पेपर जो होगा भाषा का होगा और दूसरा सामान्य अध्ययन का होगा। क्या क्या होगा सब मैंने बात कर लिया। अब देख लेते हैं कि 9वीं से 10वीं तक पढ़ाने आप जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि विषय एवं सामान्य अध्ययन दोनों मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे, और ये भी प्रश्न पत्र दो भागों में बटा होगा, ठीक है। कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं। भाग एक में 80 क्वेश्चन होंगे और भाग दो में 40, इस तरीके से 120 प्रश्न होंगे। अब भाग एक में 80 प्रश्न, भाग दो में 40 प्रश्न होंगे, तो क्या होगा, भाग एक एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इसमें से किसी एक विषय को आपको चुनना होगा, जिससे कि 80 सवाल पूछे जाएंगे। एक विषय यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो और आपको मान लीजिए आप लोग हिंदी चुन रहे हैं तो 80 प्रश्न हिंदी से आएंगे। बाकी भाग दो में जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा जो भाग एक में क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल क्या होगा, एनसीईआरटी से संबंधित होगा, यानी विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में ही होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की किताबों को आपको पढ़ना है, जहां से कि 80 प्रश्न आएंगे, एक विषय पर आधारित पत्र होगा।
भाग दो में क्या बताया गया कि भाग दो में होगा एक सामान्य अध्ययन पत्र जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। तो कुल 40 प्रश्न इसमें से रहेंगे और 80 प्रश्न आपके विषय से रहेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। ये बताया गया कि जब आप 9वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तब आपको तैयार करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब आप 11वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो किस तरीके का पैटर्न होगा। तो उसमें देख रहे हैं कि विषय एवं सामान्य अध्ययन दिया गया है, 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे के होंगे, 120 नंबर के होंगे। इसमें भी भाग एक में 80 प्रश्न, भाग दो में 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, भाग एक जो है एक विषय पत्र पर आधारित होगा। इसमें से आपको एक पत्र का चुनाव करना है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, जितने विषयों में पोस्ट निकले हुए हैं उसमें से सारे विषयों से संबंधित सवाल रहेंगे। आपको चुनना है कि आपने किस विषय में फॉर्म को भरा हुआ है। और इसका जो स्तर होगा वो भी एनसीईआरटी बुक पर ही आधारित होगा, न्यूनतम अर्हता के आलोक में ही होगा। और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के पत्र होंगे, जिसमें आपको प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे 9वीं से 10वीं तक का था वैसे ही 11वीं से 12वीं, बस इसमें विषय का और क्या हो रहा है, विस्तार हो जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप तीनों कैटेगरी में जो भी फॉर्म आए हुए हैं 1 से 5वीं तक, 9वीं से 10वीं तक, 11वीं से 12वीं तक के विद्यालयों के अध्यापकों के पाठ्यक्रम को आप समझ गए होंगे। अब नीचे कुछ चीजें हैं जिन पे हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, एमसीक्यू पर आधारित होगी। और यहाँ पर ऊपर में एक जगह तो बताया गया था कि माइनस मार्किंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू पर आधारित होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी निगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर जो एक जगह लिखा हुआ था कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, लेकिन नीचे में बताया जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग है। ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन सा क्रिएट तो हो रहा है, फिर भी हम अपने दिमाग में यही रख के चलें कि निगेटिव मार्किंग होगा तो हम और अच्छे से तैयारी कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर दो जगह दो तरीके की बातें की गई हैं तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर निगेटिव की बात की गई है ऊपर में, और 1 से 5वीं तक शायद निगेटिव नहीं है हमको लग रहा है, और 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में निगेटिव है, यही मानकर चलते हैं अभी। और बताया गया कि यहाँ पर लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 40% अंक लाना ही लाना है, ठीक है, और अगर आप बीसी में हैं, ठीक है, तो आपको 36.5% लाना है। अगर आप ईबीसी में हैं, क्योंकि बिहार में दो तरीके की कैटेगरी चलती है यहाँ पर, तो उसका 34% है। अगर आप महिलाओं में हैं, एससी एसटी और महिला हैं, ठीक है, फीमेल है, तो आपको 32% अंक लाना ही लाना है, तभी आप इस प्रतियोगिता के दौड़ में शामिल होंगे, वरना आप अपने दौड़ को इससे बाहर मानिए, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान में रखना है। जो बच्चे यहाँ तक कंसंट्रेट होकर सुन रहे होंगे उनको जरूर क्लियरिटी हुई होगी, बाकी अगर बीच में से कोई स्किप करके भाग गया होगा तो मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि मैं लगातार जो बकबक कर रहा हूँ वो समझाने के लिए ही कर रहा हूँ। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक और है, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विज्ञापन है तो हमें एक एक चीज समझना होगा। यहाँ पर साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू है, लिखा गया कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें इंटरव्यू इत्यादि नहीं है, तो जो आप लिखित परीक्षा में जितना मैक्सिमम मार्क्स पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इंटरव्यू होना चाहिए था, कुछ नंबरों का जरूर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो आपके लिए बेहतर है, आप अभी से ये मानकर चलिए कि ये वैकेंसी आपके हाथ में है, आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। इंटरव्यू नहीं है तो इंटरव्यू नहीं है, इसको बिल्कुल ध्यान में से हटा दीजिए। लिखा गया कि मेधा सूची कैसे तैयार की जाएगी, ये अंदर की बात एक तरीके से बता रहा है यहाँ पर कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की
औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो कि 50 नंबर पाया, मान लीजिए कोई ए नाम का विद्यार्थी है इनको 50 नंबर मिला, और कोई बी नाम का विद्यार्थी है इनको भी 50 नंबर का मिला, तो यहाँ पर अंक बराबर हो गए, ठीक है। तो अब आगे किसको माना जाएगा, ए वाले को माना जाएगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता ली। तो ऐसा रेयर केस में होता है, लेकिन मान लीजिए कभी हो गया तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं।